अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के रुझान एक तरीके से आने आप समझ सकते हैं कि शुरू हो गए हैं। चल रहा है यहाँ साइकिल चल रही है। हाँ। राजीव वर्मा लालजी कौन आगे चल रहा है यहाँ? साइकिल चल रही है। साइकिल आगे चल रही है। क्या लग रहा है यहाँ कौन आगे चल रहा है इस सीट पर? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं। मोदी जी को दिए हैं नितेश पांडे को। मोदी जी रोड सही है। हाँ। सबको समान सुविधा मिल रहा है। हाँ। तो कौन आ रहा है यहाँ से? यहाँ से बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। पहला रुझान आप देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकेंगे। अब रुझान आने शुरू हो गए अंबेडकर नगर से, क्योंकि हम भाई बीजेपी को वोट दिए हैं मोदी जी को। हम प्रत्याशी को नहीं देखे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट दिए हैं। 10 साल में बहुत विकास हुआ है। करेंगे किस तरफ जा रहे हैं? साइकिल की तरफ जा रहे हैं। साइकिल की तरफ जा रहे हैं। क्या कारण है? लोग बेरोजगारी। बेरोजगारी गरीबों मजलूमों के सहायक लालजी वर्मा डॉक्टर लोहिया के 150,000 वोटों से जो है, ज्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन 150,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। 150,000 वोटों से नितेश पांडे जीतेंगे। नितेश पांडे जीत रहे हैं। क्या कारण है जो आप नितेश पांडे के लिए? सपा और भाजपा के बीच फाटे की लड़ाई है और दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है अम्बेडकर नगर किस तरफ जा रहा है? भाजपा जीत रही। भाजपा जीत रही। नमस्कार दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के रुझान एक तरीके से आने आप समझ सकते हैं कि शुरू हो गए हैं, क्योंकि वोट डल रहे हैं और काफी वोट पड़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोग वोट डाल के आए हैं उनसे हम बात करने जा रहे हैं, और पहला सबसे बड़ा रुझान अंबेडकर नगर सीट का आने लग गया है। चलिए यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम बात करते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन आगे चल रहा है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं कि कौन आगे चल रहा है अम्बेडकर नगर सीट से। तो यहाँ पर हमारे साथ चाचा जी मौजूद है। चाचा क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है यहाँ? साइकिल चल रही है। हाँ। लालजी वर्मा। लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं। और कौन सा बूथ है ये? ये फतेहपुर कमासीन का है। फतेहपुर कमासीन है। हाँ। तो फतेहपुर कमासीन पे आपका कहना है कि साइकिल आगे चल रही है। चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, उनसे हम एक बार बात कर लेंगे, दोबारा फिर हम आपसे बात करेंगे। कौन आगे चल रहा है यहाँ? साइकिल चल रही है। साइकिल आगे चल रही है। क्या कारण, क्या मुद्दा है, किस वजह से आप साइकिल को वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। चलिए यहाँ पर चाचा मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या लग रहा है यहाँ कौन आगे चल रहा है इस सीट? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं। क्या मुद्दा रहा वोट करने के पीछे लालजी वर्मा? क्या किस लिए आप पसंद कर रहे हैं? किसान जो है परेशान है, साढ़ बछवा से बहुत परेशान है, खेती सब चौपट हो रही है, यही सब मुद्दा है, महंगाई है। तो अंबेडकर नगर सीट का जो रुझान है वो आना शुरू हो गया। आप लोग भी अंदाजा लगाते रहिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, आपके कमेंट के आधार पर भी अंदाजा लगता रहेगा। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको यहाँ? हम मोदी जी को दिए हैं नितेश पांडे को। मोदी जी को लेके आ रहे हैं आप? दोबारा से लेके आ रहे हैं? दोबारा से ला रहे हैं? दोबारा से लेके आ रहे हैं। तो क्या कारण है जो आप मोदी जी को चाह रहे हैं? क्या रोड बन गया पहली बात, और ये हाँ पहले 4 घंटा रहती थी, अब 18 घंटा लाइट रह रही है। लाइट की व्यवस्था से भी आप खुश हैं? चलिए यहाँ पर चाचा जी हैं, चाचा क्या कहेंगे? लाइट की व्यवस्था सही है, रोड सही है। हाँ। सबको समान सुविधा मिल रहा है। हाँ। तो कौन आ रहा है यहाँ से? यहाँ से बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। चलिए मोदी आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। और जो ये पहला रुझान आप देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकेंगे। अब रुझान आने शुरू हो गए अंबेडकर नगर से, क्योंकि जब वोट पड़ गया है उसके बाद से जो तस्वीरें हैं वो साफ होती नजर आ रही है। लोग अपना वोट डाल रहे हैं, खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं, और चौराहों पर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। क्या कहेंगे आप? हम भाई बीजेपी को वोट दिए हैं मोदी जी को। हम प्रत्याशी को नहीं देखे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट दिए हैं। 10 साल में बहुत विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा नाम। राजेश मिश्रा जी, तो आपका ये कहना है कि आप प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, आपने मोदी जी को वोट किया? मोदी जी को वोट। कुछ कारण बताना चाहेंगे विकास में, कुछ ऐसे कारण जिस वजह से आप वोट किए? विकास बहुत हुआ है, सड़क का विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो अभी तक जो रुझान हो रहे हैं, जो रुझान हम कर रहे हैं लगातार बराबर देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी हमने जब शुरू किया अपना ये सर्वे, तो यहाँ पर भी लोग जैसे कि सपा और बीजेपी लगभग बराबर सी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? हाँ बराबर से, क्या जो है बराबर से ज्यादा बीजेपी दिखाई दे, बीजेपी दिखाई दे। चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, उनसे हम बात कर लेंगे, और रुझान किस तरफ जा रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। किस तरफ जा रहे हैं? साइकिल की तरफ जा रहे हैं। साइकिल की तरफ जा रहे हैं। क्या कारण है? लोग बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ। मतलब युवा 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 जो बेरोजगार से परेशान है वो मुद्दे को आप आगे रखते हुए आप लोग साइकिल के साथ साइकिल की तरफ वोट कर रहे हैं। और अंबेडकर नगर जो सीट है
क्या कहेंगे उसके बारे में? लालजी वर्मा जीत रहे हैं। लालजी वर्मा जीत भारी बहुमत से। कितने वोटों से जीत सकते हैं? लाख डेढ़ लाख से जीत रहे हैं। तो भैया का जो दावा है लाख डेढ़ लाख वोटों से लालजी वर्मा जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर नगर सीट को लेकर? अम्बेडकर नगर सीट एक साधारण गरीबों मजलूमों के सहायक लालजी वर्मा डॉक्टर लोहिया के विचारधारा पे चलने वाले और वो जान लो गरीबों का बहुत साथ देते हैं। ये गुंडा माफिया वाला काम नहीं करते हैं, यहाँ गुंडा माफिया वाला ज्यादा काम है। अच्छा, गुंडे माफिया वाला नेता आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे, मुझे साधारण व्यक्ति चाहिए जिससे मैं सारी बातें बता सकूं, हमारी सुनवाई कर सके। और सबसे बड़ी इस सरकार की कमी है कि बेरोजगारी की समस्या, महंगाई बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अम्बेडकर नगर सीट पे आप लोग देख सकते हैं सरकार में जो बेरोजगारी है उससे जो लोग परेशान हैं वो सपा में जाते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जी क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए सरकार अगर बनेगी ये सब लोगों की मदद करेगी, हर क्षेत्र में 30 लाख रोजगार देगी, 8500 महीना महिलाओं को वेतन जाएगा, खाता खटाखट पैसा जाएगा, 8500 खटाखट जाएगा। हाँ खटाखट खटाखट जाएगा, समझ लीजिए खटाखट। हाँ वही सालीना खटाखट वाली जो बात है राहुल गांधी बोलते रहे हैं। हाँ खटाखट खटाखट जाएगा, खटाखट जाएगा पैसा। हाँ तो ये जो बीजेपी लगातार 2000 रुपए देती रही है और अनाज देती रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हमारे जानकारी में ऐसा हुआ है कि काफी लोग का ऐसा कट गया है, उन लोगों का आता ही नहीं है कभी। जिन लोगों का जा रहा है उनके लिए क्या कहेंगे? उनका भी आता भी नहीं है कि बना हुआ है कि आता भी नहीं है। कुछ लोगों का आता है, कुछ लोग का आता ही नहीं है। हाँ खाली देकर खाली बताया जाता है कि हाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये सब खाली जुमला है, जुमला बता रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कहेंगे अम्बेडकर नगर किस तरफ रुझान जा रहा है? अम्बेडकर नगर सीट जहां तक ये मेरा देखना और जानना समझना, मेरे हिसाब से लगभग 150,000 वोटों से जो है, ज्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन 150,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। 150,000 वोटों से? जी जी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस गवर्नमेंट में किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना है तो हर साल एडमिशन फीस और नेसेसरी फीस, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों में, और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। चलिए, जो रुझान है आप समाजवादी को 1.5 लाख वोटों से यहाँ पर जीतता हुआ बता रहे हैं, और यहाँ पर जो रुझान है ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात करने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस सीट पर कौन जीत रहा है? वोट आप डाले हैं? अभी नहीं डाले। क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? रितेश पांडे जीतेंगे। रितेश पांडे जीत रहे हैं, क्या कारण है जो आप रितेश पांडे के लिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, और कुछ लोगों से के कहने से कुछ नहीं होता। रितेश पांडे जैसा सांसद अम्बेडकर नगर लोकसभा, जब से हम लोग वोट डाल रहे हैं तब से जो है रितेश पांडे जैसा सांसद इस लोकसभा को नहीं मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देख लीजिए एक भी दिन लोकसभा में उनकी एब्सेंटी नहीं है। लोकसभा में उन्होंने नौजवानों, किसानों, मजलूमों सबकी आवाज को बुलंद किया है, इसलिए जो है रितेश पांडे यहां से सांसद होंगे। और आने वाली 4 तारीख को आप देख लीजिएगा लाखों वोटों से रितेश पांडे यहां से सांसद होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रुझानों में दोनों तरफ रुझान आ रहे हैं, दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है आपको अम्बेडकर नगर सीट के बारे में, जो लगातार सर्वे होते रहे आपके चैनल पर भी। सपा और भाजपा के बीच कांटे की लड़ाई है और दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, दोनों एक ही अखाड़े के पहलवान हैं, अब आने वाला ही समय बताएगा। अच्छा, एक ही अखाड़े के पहलवान है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? एक चूंकि दोनों बसपा से जुड़े रहे हैं। दोनों और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी 7 बार चुनाव जीत चुकी है, उनके 3 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रह चुकी हैं, 3 बार सांसद रह चुकी हैं, और उनके अन्य लोग मतलब सांसद रह चुके हैं, इसलिए ये बसपा का गढ़ रहा है, बसपा के गढ़ में और सपा और भाजपा को अपना वो परचम लहराना है, परचम लहराना है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में एक लोग और मौजूद हैं, क्या लग रहा है अम्बेडकर नगर किस तरफ जा रहा है? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है, समाजवादी वाले लोग कह रहे हैं 1.5 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं, लालजी वर्मा जीत रहे हैं, बहुत पीछे हैं, लगभग 3 लाख वोटों से जो है बीजेपी यहाँ से चुनाव फाइट करेगी।
3 लाख वोटों से बीजेपी फाइट करेगी। आपने एक और नई बात जोड़ दी है, अभी तक 1 लाख 1.5 लाख लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं 3 से ज्यादा ही होगा, 3 से कम नहीं होगा। अच्छा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं और कैसे कह रहे हैं? जैसे हम मार्केट में रहते हैं, मार्केट में हमारा 90% वोट जो है बीजेपी का है। अच्छा, 90% वोट जो है 90%। क्या नाम है आपका? रमाकांत द्विवेदी। रमाकांत द्विवेदी जी, चलिए हम समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, जो सीट है, जो अम्बेडकर नगर सीट का जो रुझान है वो आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ रहा हो किस तरफ जा रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। और अम्बेडकर नगर का सबसे बड़ा और सबसे पहला रुझान आना शुरू हो गया है। आज ये वोट पड़ने के बाद में धीरे धीरे जो तस्वीर है, 1 तारीख को वोट पड़ जाएगा, उसके बाद 4 जून को सब सामने आ जाने वाला है। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। और अम्बेडकर नगर जो सीट है, कहीं ना कहीं वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए।